हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 6th of December संडे का दिन है और अभी सब शादी वादी तो सब खत्म हो ही गए, तो अब हमारे वक्त यहाँ से जाने का वापस अपने घर नासिक। तो आज हम लोग वापस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं, जाएंगे वही जिस स्टेशन से आए थे दीनदयाल उपाध्याय, उसी से हम लोग नासिक जाएंगे। चलिए अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, हम लोग की 2:50 की ट्रेन है, हम लोग यहाँ से 1:30 को निकल जाएंगे, तो हमारे पास अभी और 2 घंटे हैं। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज सार्थक सिंह, लेट्स व्लॉग इट अप। इस बार देखिए जो ट्रैवलिंग है थोड़ी सी शायद इजी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा है। पिछले बार जब इंगेजमेंट में आए थे तो एक बैग छोड़ के गए थे, बड़ा सा जो था, मम्मी लोग आए वो 3 बैग लेके आए, हम लोग 3 बैग लेके आए, टोटल 7 बैग ऐसे हो गए, और हाथ सिर्फ हमारे पास 8 ही हैं। तो काफ़ी सारा जैसे इधर ये रेड वाली ट्रॉली, ऊपर वाला बैग, उसके पीछे काला वाला बैग है, इधर ये ब्लू वाला, इधर ये वाला, और नीचे ये ब्लू वाला, और ये वाली ट्रॉली भी। तो सामान तो काफी ज्यादा है, लेकिन देखते हैं, चलो बात निकाल लेंगे सर। तो ये है कि क्रेप में अभी ये स्टेज पूरा डार्क डार्क, पूरा मतलब कपड़े वो जो तो नीचे वाला देखा, और पता तो क्या सामान थे सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने DDU स्टेशन पे। टाइम हो रहा है 1:35, 15 मिनट्स हम लोग के, और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई, जिसके पीछे वाला स्टेशन था पे ही आधे घंटे लेट आई थी, 26 मिनट्स, तो लेकिन उसके बाद कवर कर ली। और यहाँ पे 2:50 का आने का टाइम था, तो 2:20 को पहुँच गई, तो आधे घंटे पहले पहुँच गई, लेकिन लगी हुई है ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जाते हैं और फिर बैठते हैं। और आज हमारा कोच है B4 है, हम लोग AC में जा रहे हैं इस बार भी, और सीट इस बार भी अच्छी नहीं मिली, क्योंकि नहीं मिली तो नहीं मिली। सुबह जी हम लोग की ट्रेन साइड में लगी हुई है, इसमें जो पूरे जो रेक से मतलब कोचेज हैं वो ICF वाले हैं, ICF मतलब पुराने टाइप वाले हैं, नए टाइप वाले वो LHB होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चला लिया जाएगा। वैसे भी ये कल सुबह 10:30 नासिक पहुंच जाएगी, तो ड्यूरेशन ये काफ़ी कम है, और इसके भी स्टॉप्स 6 ही हैं, पता नहीं है, मतलब जो भी इस रूट पर ट्रेन है सबके नासिक तक के 6 स्टॉप्स ही हैं। 6 स्टॉप्स अच्छी बात है जल्दी पहुँचने की, फिर से हम लोग अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन चलिए चलते हैं, सामान काफ़ी ज़्यादा है यार कैसे भी, लेकिन आ गया। सो गाइस सामान ऑलमोस्ट सेट हो गया, हम लोग को लोअर नहीं मिली थी, लेकिन जो हमारे बीच हमारी जो थी एक ही कंपार्टमेंट में एक मिडल थी, एक साइड में एक मिडल और एक अपर थी, तो जिस साइड में मिडल थी उस साइड में जो लोअर थी वो हमको दे दी, ताकि हम लोग उनको मतलब सीटी वाली दे सकें, मतलब उधर एडजस्ट हो गया पूरा, तो हमें एक लोअर यस मिल गई फाइनली। और अभी जस्ट कितना 5 मिनट रह गया ट्रेन के निकलने में, और सीट तो सब सेट हो गई, सामान भी सेट हो गया, बस इस ट्रेन के जाने की देरी है। एंड कोच की कंडीशन भी अभी सही लग रही है, एकदम साफ़ सुथरा है, मतलब पुराने होने के बावजूद भी काफ़ी क्लीन रखा गया, और AC भी इसका काफ़ी ठंडा है, मतलब अच्छा है। पिछले वाले इसमें पता नहीं हूँ, आधे लोग कह रहे थे गर्म करो, आधे लोग कह रहे थे ठंडा करो, तो उसकी वजह से ठंडा गर्म कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इस वाले में काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग है, सब सही है। टाइम हो चुका है एग्जैक्ट 3:00, और हमारी ट्रेन चलना शुरू कर दी है। ट्रेन तो एकदम ऑन टाइम लीव की है। अभी हम लोग प्रयागराज 6 के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ये वही स्टेशन जो हम लोग आते वक्त भी इसी सेम स्टेशन पे पहुंचे थे, और टाइम भी लगभग ऐसे कुछ 5:30 बज रहे थे अभी ये ट्रेन, लेकिन यहाँ पे 25 मिनट्स लेट हो चुकी है, और क्यों मुझे नहीं पता, ट्रेन तो सही चल रही थी, चलो हो गई तो हो गई, लेकिन यहाँ से 2 मिनट का सपोर्ट है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बाहर जाकर आपको फिर से पिछले बार की तरफ थोड़ा बहुत दिखाया होता, लेकिन अभी सिर्फ 2 मिनट का ऑल्ट है, उसमें भी पता नहीं 2 मिनट रुकेगी, 5 मिनट का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रयागराज भी एक मेन स्टेशन है, और ये भी उसका एक सब स्टेशन है, तो यहाँ पे भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, अभी काफ़ी ज़्यादा लोग इस स्टेशन पे चढ़े थे,
ये तो ट्रेन पटना से आ रही है, मतलब बिहार से आ रही है, तो मुझे लगा था कि भरी होगी लेकिन थोड़ी खाली थी। और यहाँ इलाहाबाद ये प्रयागराज चौकी में भी इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग आके इसमें अंदर चढ़ गए हैं। तो भाई अभी रात के 8 बजने वाले हैं, अभी 8 बजे नहीं, थोड़ी देर में 8 बजे मतलब सतना स्टेशन आने वाला है, लेकिन मैं अभी सोने जाने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से जब से शादी सबसे स्टार्ट हुआ तब से मैं एक दिन ढंग से नहीं सो पाया हूँ। तो मैं अभी जाऊँगा, अभी 7:45, तो अभी सोने जा रहा हूँ, अभी आपको कल सुबह मिलूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पीछे जो स्टॉप था भुसावल था, भुसावल के डायरेक्ट मनमाड़ था, जलगांव पे नहीं रुकी थी, मनमाड़ के बाद डायरेक्ट हमारा नासिक स्टॉप है। और हम लोग काफ़ी ज़्यादा सोए हैं भाई, कल रात को जैसे पता था 7:45 समथिंग हो रहा था, और आज भी हम लोग 8 o'clock को उठे, 12 घंटे से ज़्यादा नींद ले ली हम लोगों ने, लेकिन काफ़ी मस्ती था, ट्रेन काफ़ी अच्छी चल रही थी। तो रात को थोड़ी सी लेट हुई थी लेकिन बीच में बाद में कवर कर ली, और अभी हम लोग ऑलमोस्ट ऑन टाइम पे चल रहे हैं। देखते हैं कि नासिक कितने बजे पहुँचती है, 10:23 का टाइमिंग है, देखते हैं कब पहुँचती, लेकिन बाहर का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा ठंडा साइड है, और जो भी नज़ारे हैं मतलब वो गूगल वे लिया के पूरे से यार्ड्स में बड़े बड़े दिख रहे हैं, काफ़ी मस्त से लग रहा है, और ऑलमोस्ट हम लोग खेत वाले एरिया में ही अभी भी, चलो एंजॉय करते हैं थोड़ा सा सीन। टाइम हो रहा है 10:55, और अभी हम लोग नासिक स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये हम लोग का कोच था B4, जो ट्रेन है वो 25 मिनट्स ऑलमोस्ट लेट थी, 25 पे उसका पहुंचने का टाइम था, 30 मिनट्स कह सकते हैं, 30 मिनट्स लेट थी, लेकिन ट्रेन काफ़ी देर थी, उसमें क्लीनिंग काफ़ी मतलब फ्रीक्वेंट टाइम्स क्लीनिंग हो रही थी, वाइपिंग हो रही थी, सब झाड़ू पोछा सब लगाया जा रहा था, और वॉशरूम भी एकदम ऑलमोस्ट ऑल टाइम क्लीन था। और ये हमारे सामने कोई LTT हरिद्वार वाली एक्सप्रेस खड़ी है, AC एक्सप्रेस है पूरी, तो यही हमारी जर्नी तो काफ़ी अच्छी रही थी। सो गाइस अभी के लिए वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारा वैसे एक और टूर ख़त्म हो गया है, शादी वाला था, काफ़ी मज़ा आया, लेकिन इस बार अब तो घर जाके थोड़ा आराम होगा, सोना खाना पीना होगा, 11 बजे तो ऐसे और भी मतलब काम घर पे कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाल बटन दबाइए ताकि वो ग्रे हो जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अगले टूर पे, अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। अब घूम नहीं कर सकता भाई क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा है, आगे भी दो बैग है, उसके आगे दो बैग है, उसके आगे दो बैग, वैसे मैं बहुत सारे बैग सब लोग लेके आए, लेकिन चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।